इंडिया कंपनी आई और अपना बृहद कार्यक्रम चालू किया तो बिश्नोई जाति के लोगों ने पेड़ से चिपक कर अपनी जान देने का काम किया और तब 1878 में भारतीय वन अधिनियम लागू किया जो आज भी DFO है हमारा। आज भी जो हमारा कस्टमर एक्साइज है, आज भी जो है इनकम टैक्स है, ये सारे कानून जो है पूर्व के हैं। तो मैं जरूर ये कहूंगा कि राज्य सरकार आपके लिए अच्छा सोचती है। ये अलग बातें हैं कि कभी कभी आदमी चाहत अच्छी रखता है लेकिन काम करने में कभी कभी अंतर होते हैं, लेकिन मैं आपको ये जरूर विश्वास देता हूँ कि वर्तमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हैं और उनकी सोच है, लेकिन सर उड़ाते ओले पड़ गए। जैसे ही सरकार बनी वैसे ही कोविड भी आ गया और कोविड तो कैसा आया आपसे तो छुपा नहीं है, आप तो जानते हैं कि कोविड कैसा आया था कि माँ जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया उस माँ की अंत्योष्टि करने में बेटा डरने लगा, पिता पुत्र की अंत्योष्टि में डरने लगा, पुत्र पिता की अंत्योष्टि में डरने लगा, लोग जो है अस्पताल में छोड़ छोड़ कर भागने लगे अपने परिजन को। वैसी भी सब परिस्थिति में भी झारखंड ने इस देश में तीसरे नंबर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बाहर रखने का काम किया, जबकि आप जानते हैं क्या स्थितियां थी। मैं जरूर कहूंगा कि कुछ कुछ योजनाएं हम लोग ला रहे हैं, हम लोग जो है फोटो हो खेल योजना भी लाया है, नीलांबर पीताम्बर योजना लाई है। हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमारे आदिवासी भाइयों को जो है हम मुख्य धारा में लाएं, लेकिन मैं जरूर बसंत तिर्की जी की भावना से मैं थोड़ा सा आहत जरूर हुआ हूँ, क्योंकि जब वो बोल रहे थे बीच में कोई सज्जन पुरुष ने उसमें कहा कि भाई हम बहुत इसमें नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है कि आपकी सोच और इनकी सोच में थोड़ा सा अंतर हो सकता है लेकिन उनकी भावनाओं में अंतर नहीं है, क्योंकि मैं तो जनता का नेता हूँ और जनता के लिए जीता हूँ, जनता के लिए मरता हूँ। और मैं उठी कहा है तपस भाई ने कि मैं तो एकदम वो गरीब टेम्पू चालक रिक्शा वाला ठेला वाला गुमटी वाला की लड़ाई लड़ते लड़ते जमशेदपुर जैसा शहर जो मिनी इंडिया है, जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा जैसे जीवन देवता है, उस शहर का मैं प्रतिनिधि हूँ जहाँ एक घर बिहारी है, एक तेलंगी, एक मारवाड़ी, एक दूसरे दूसरे जात के लोग, और उसके बाद भी वहाँ लोग जो है मुझे वहाँ के सेवक के रूप में प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं। तो मैं बहुत सारी भावनाओं को जानता हूँ और मैं यहाँ बहुत विश्वास देने आया हूँ अपने ट्राइबल भाइयों को भी कि केवल जो है मुर्गी और सुअर और ये गाय पालन के लिए नहीं है, आपको नई सोच के साथ आगे बढ़ना है। हाथ में जब राइफल उठा लिया तो अल्बर्ट एक्का बन गए, और हॉकी का जब झंडा पकड़ लिया तो अभी मेरे पास आई थी अंशुता लकड़ा तो पूर्व में कप्तान थी, अभी सुबह सुबह मेरे पास एक और एक पूर्व की हॉकी की कप्तान आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो उनको उनको क्या दुख है जो जिसको ज्ञानचंद अवार्ड मिला है और ज्ञानचंद अवार्ड मिलने के बाद उनको नौकरी मिली है, लेकिन उसके बाद भी उनका आज तक रोड नहीं बनने पाया है, उनको नली नहीं बनने पाया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस पर विचारण कर रहे हैं। आप विश्वास रखिए मेरे जैसा लोग आपके हित की रक्षा करने के लिए है और हम लोग निश्चित तौर पर आपके हित की रक्षा करने वाले लोग हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। लास्ट में जब को सुमंत दुल्हन संगुर जोहार।